Mr. Isharja, can you hear me? Yes, sir. Yes, I have made you co-host. You can start your class, ma'am. Okay, sir. तो आज का टॉपिक है स्ट्रेस और स्ट्रेन. स्ट्रेस और स्ट्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से जो लोग हैं उनके लिए, या मेकैनिकल या सिविल जो भी बैकग्राउंड से हो, जहां पे भी कोई स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है वहां का वहां उन लोगों के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हो, उसका एक उसका लिमिट आपको हर वक्त पता होना चाहिए. वो कितना कितना फोर्स झेल सकता है, वो कितना वेट ले सकता है, आपको ये हमेशा जानना चाहिए. नहीं तो वो स्ट्रक्चर फेलियर स्टार्टेड होगा, या तो कोई एक्सीडेंट होगा या तो वो टूट जाएगा. तो शुरू में देख लेते हैं ये स्ट्रेस क्या चीज होता है, उसका डेफिनेशन देख लेते हैं. देखिए, एक नंबर पे लिखा है स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड टू अ मटेरियल. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स अप्लाइड पर एरिया ऑफ मटेरियल. तो फोर्स बाय एरिया, तब जाके हम लोगों को मिलेगा फोर्स पर एरिया. अब इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसे जनरली स्ट्रेस को डिनोट करते हैं. अब इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, और एरिया एरिया मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. अब इसको हम कहते हैं पास्कल. तो ये रहा स्ट्रेस जिसका यूनिट है पास्कल. अब बात ये है कि ये स्केलर है या वेक्टर है. अब यहाँ पे इन दोनों ही वेक्टर है, पर यहाँ पे हमने कोई साइन नहीं दिया, तो आपको लग सकता है ये स्केलर है, पर एक्चुअली ऐसा है नहीं. स्ट्रेस ना ही वेक्टर है ना ही स्केलर है, क्योंकि स्ट्रेस का डायरेक्शन हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते कि मटेरियल में किस तरफ से स्ट्रेस पड़ रहा है. फोर्स का डायरेक्शन और ये जो एरिया है, एरिया का डायरेक्शन देख के हम डिटरमाइन नहीं कर सकते. डिटरमाइन उसका नहीं कर सकते, इसलिए हम इसका डायरेक्शन नहीं लिख रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं इसका डायरेक्शन नहीं है, इसका डायरेक्शन है, बस हम लोग ऐसे उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं लिख रहा है. तो ये सबको बोलते हैं टॉर्शन. ना वेक्टर ना स्केलर, ये टॉर्शन है. वैसे और एक टॉर्शन है जो कि है स्ट्रेन. अब स्ट्रेन क्या चीज है देख लेते हैं. स्ट्रेन का डेफिनेशन देखते हैं. देखिए दो नंबर पे क्या लिखा है स्ट्रेन में. द स्ट्रेन इज द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड compared to initial dimensions of the body. तो देखिए इसमें क्या है, फोर्स के वजह से जो डायमेंशन था और नया जो डायमेंशन हुआ है उसका रेशियो स्ट्रेन. तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डायमेंशन चेंज हो रहा है तो इसको लिख रहे हैं ऐसे. इसका लेंथ जो चेंज हुआ है
और पहले जो लेंथ था, पहले लेंथ ये था और ये लेंथ चेंज होके नया ये होगा, तो बाद में स्ट्रेस के बाद, स्ट्रेस इसमें अप्लाई करने के बाद शायद L2 हुआ है लेंथ, और पहले L1 था और उसका टोटल लेंथ है L, टोटल लेंथ पहले था L1, तो ये होगा डेल्टा L बाई L, जहां पे L1 इक्वल टू L। तो ऐसे हम स्ट्रेन को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए डेफिनेशन में लिखा, ये नहीं लिखा था कि लेंथ के लेंथ है, लिखा था डायमेंशन है। अब डायमेंशन तो बहुत कुछ का हो सकता है, डायमेंशन तो हम एरिया से भी डिफाइन कर सकते हैं, जनरली एरिया नहीं होता पर थियोरिटिकली हम एरिया से डिफाइन कर सकते हैं कि एरिया में कितना चेंज आया, या ये लेंथ है ब्रेथ में कितना चेंज आया, या वॉल्यूम में कितना चेंज आया, वॉल्यूम में कितना चेंज आया। अब डायमेंशन कुछ भी हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, हमेशा जो ही चीज ऊपर है वही चीज ये डिवाइड साइन के नीचे भी है, तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि हमेशा इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये यूनिटलेस है। अब इसको भी, इसका भी मतलब ये जो लेंथ चेंज हुआ, ये लेंथ चेंज जिस तरफ हुआ, और इसका जो लेंथ का जो लेंथ का जो डायरेक्शन है, दोनों सेम होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका भी क्या डायरेक्शन दे वो निर्णय नहीं किया जा सकता। अब ऐसा नहीं है कि इसका डायरेक्शन नहीं है, इसका डायरेक्शन है, पर वो निर्णय करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी एक टॉर्शन है। अब स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन कैसे संबंधित है? अब देखिए एक वस्तु है, ऐसा एक रबर का वस्तु है समझ लीजिए, इसमें अगर हम स्ट्रेस दे, एक भारी चीज इसमें ये कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो ये चिपटा हो जाएगा, यहां से ऐसे हो जाएगा, ऐसे चपटा हो जाएगा, ये इसको रखने के बाद चपटा हो जाएगा, तो ये जो हम इसमें ये जो वेट दे रहे हैं इसको बोलते हैं स्ट्रेस। और इसका क्या होगा, ये जो ये चपटा हो गया, ये जो धर्म है चपटा होने का, ये हो रहा है इसमें स्ट्रेन, इस मटेरियल में स्ट्रेन पड़ रहा है, ऐसा हो जा रहा है, मतलब इस मटेरियल में स्ट्रेन पड़ रहा है। अब आपको ये समझ में आ ही गया होगा स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन का क्या रिलेशन है। स्ट्रेस बढ़ता है तो स्ट्रेन भी बढ़ता है, ज्यादा स्ट्रेस मतलब ज्यादा डिफॉर्मेशन। अब वही चीज एक साइंटिस्ट है हुक, उसने वही चीज बोला है कि अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो स्ट्रेन भी बढ़ता है। देख लेते हैं हुक लॉ, हुक्स लॉ क्या है। देखिए तीन नंबर पे लिखा है, चार नंबर पे लिखा है, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट द स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल। तो क्या हुआ, स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के साथ। तो हम हुक्स लॉ को ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के साथ, बट इसमें और एक बात बोला है, इलास्टिक विद इन द इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट क्या होता है, जैसे देखिए एक रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच करो तो,
और फिर उसको छोड़ दो तो वो पहले का पोजीशन में वापस आ जाता है। ये होता है इलास्टिक लिमिट के अंदर। पर अगर उसको कुछ ज्यादा स्ट्रेच कर दो उसका इलास्टिक लिमिट से ज्यादा तो वो टूट जाता है, तो तब उसका ब्रेकिंग हो गया, तो वो इलास्टिक लिमिट के अंदर नहीं है, तब ये चीज हुक्स लॉ काम नहीं करेगा। अब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे संपर्कित है वो देख लेते हैं। डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, किसी को पता है ऑडियंस से तो बोलिए। डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल क्या होता है? मेटेरियोलॉजी, अगर ये जो मेटेरियोलॉजी जितना है आप लोगों का वो अगर कोई पढ़े हो तो आपको पता होगा, डक्टाइल मटेरियल वो है जिनमें थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिसिटी है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मेरा पेन गिर गया था हाथ से। जो भी हो, डक्टाइल मटेरियल वो है जिसमें थोड़ा सा भी इलास्टिसिटी है, मतलब जैसे एक रबर बैंड डक्टाइल मटेरियल है, उसको आप छोड़ दो तो वो फिर से मतलब अपने शेप में आसानी से बैक कर जाएगा। अब कोई कोई मेटल भी डक्टाइल है कई हद तक, जैसे देखो देखेंगे कोई कोई स्टील का प्लेट अगर तुबड़ जाए और फिर उसको और थोड़ा मतलब आप और थोड़ा इधर उधर उसको उसका प्रेशर दो तो वो फिर से अपने जगह आ जाता है। ये होता है डक्टाइल मटेरियल में। डक्टाइल मटेरियल जैसे स्टील, इसलिए स्टील बहुत यूज होता है, ये आसानी से टूटता नहीं, ये बेंड होता है पर टूटता नहीं उतना आसानी से। ब्रिटल मटेरियल क्या है? कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन इसलिए जो जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस रहता है वहां पे यूज नहीं किया जाता, क्योंकि वो मतलब बेंड कुछ ज्यादा नहीं होता, वो टूट जाता है, एकदम से टूट जाता है। जैसे सबसे ज्यादा ब्रिटल है कांच, एकदम भंगुर सा टूट जाएगा, उतना इलास्टिक लिमिट नहीं है इसमें। अब इन दोनों का स्ट्रेस और स्ट्रेन अलग से वैरी करता है। पहले देखते हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए क्या होता है। यहाँ पे हम स्ट्रेस प्लॉट करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेन प्लॉट करेंगे। तो ये कर्व होता है ऐसा और इसका कर्व होता है ऐसा। अब ये दो पार्ट देखिए, ये दो पार्ट में स्ट्रेस और स्ट्रेन सच में समानुपातिक है, जैसा हुक्स लॉ स्टेट करता है, बिल्कुल समानुपातिक है। तो ये है प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि जीरो से ए इस पार्ट में ये इस पार्ट में स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, इसलिए इस पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं ये जगह है लिमिट। और इस जगह जो डिस्टॉर्शन होता है, कि अगर इसमें डिस्टॉर्शन हुआ भी तो आप वो और आप उसका स्ट्रेस हटा लेंगे तो वो पहले की जगह वापस चला आएगा। जैसे आप रबर बैंड में होता है, आप खींच लिए फिर छोड़ दिया, वो पहले की जगह चला आया,
तो ये इस जगह में होता है, पूरा कार्ब बराबर अपने स्ट्रेस दिया और फिर स्ट्रेस हटा लिए, वो पहला पोजीशन में वापस आ गया। तो यहाँ पे जो, तो यहाँ का यहाँ पे क्या होता है, इलास्टिक डिस्टॉर्शन होता है। या डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर देखते हैं, ऐसा एक कार्ब है, इधर भी ऐसा है, यहाँ पे बात में आते हैं, ऐसा एक कार्ब है। इस कार्ब को हम तीन तीन पोर्शन में भाग करेंगे, इस कार्ब को ही, इतना छोटा सा कार्ब को ही। इस पॉइंट का नाम देंगे बी, इसका नाम दिए सी, इसका नाम दिए डी। अब ए से बी को देखिए, ये समानुपातिक नहीं है, स्ट्रेस बढ़ने से स्ट्रेन बढ़ रहा है पर समानुपात में नहीं बढ़ रहा है। तो इस जगह को बोलते हैं, ये भी इलास्टिक लिमिट में भी है, ये भी इलास्टिक लिमिट में, ये भी था, ये भी इलास्टिक लिमिट में है, ये जगह में स्ट्रेस और स्ट्रेन समानुपातिक नहीं है, ये प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है पर इलास्टिसिटी यहाँ पे भी शो करता है। क्योंकि स्ट्रेस बढ़ने से स्ट्रेन बढ़ रहा है, बस हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। अब इधर देखिए, बी से सी तक स्ट्रेस तो स्ट्रेन बढ़ रहा है, ठीक है, स्ट्रेस ज्यादा नहीं बढ़ रहा, स्ट्रेस बढ़ ही नहीं रहा, थोड़ा मतलब बहुत ही कम बढ़ रहा है, फिर भी स्ट्रेन बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर आप इसको छोड़ दोगे, यहाँ पे अगर आप खींच के उतना स्ट्रेस दोगे, देख के अगर मटेरियल को छोड़ दोगे तो वो इधर वापस आ जाएगा, जो कि उसका पहले का जो स्ट्रेन है जीरो, जीरो मतलब यहाँ पे ओ दिया है तो पहले तो स्ट्रेन जीरो मतलब नो डिफॉर्मेशन था, वहां से कहीं ज्यादा डिफॉर्मेशन हो गया है, बट स्ट्रेस उतना ज्यादा नहीं दिया है पर डिफॉर्मेशन कहीं ज्यादा हो गया है, तो इसको हम बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है, सॉरी अपर यील्ड पॉइंट, इसको हम बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। पॉइंट मतलब स्ट्रेस तो हम नहीं दे रहे हैं ज्यादा, पर उसका इफेक्ट ज्यादा होता है, ज्यादा यील्ड कर रहा है, हम जो काम कर रहे हैं उस काम का ज्यादा फल मिल रहा है, यील्ड हो रहा है ज्यादा, ठीक है। अब देखिए सी से डी, सी से डी क्या हो रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस घट रहा है, उल्टा हो रहा है। यहाँ पे भी हमने स्ट्रेस कम दे रहे हैं, स्ट्रेस ज्यादा नहीं दे रहे पर काम ज्यादा हो रहा है, यील्ड ज्यादा हो रहा है और चीज का डिफॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, तो ये भी यहाँ पे भी यील्डिंग हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी यील्डिंग हो रहा है। तो इसको ये डी को बोलेंगे, ये अपर यील्ड पॉइंट था सी, लोअर यील्ड पॉइंट डी, ठीक है। अब ये जो पूरा पूरा जगह है बी से लेके डी तक, बी से लेके डी तक, ये पूरा जगह को हम इस जगह को, इस पोर्शन को काट के इस पोर्शन को बोल सकते हैं यील्डिंग, इस जगह में यील्डिंग हो रहा है, स्ट्रेस ज्यादा नहीं बढ़ रहा पर स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर मटेरियल इस आपको आप डी डी के बराबर स्ट्रेस दोगे मटेरियल पे तो ये वापस तो आएगा, ऐसे वापस तो आएगा पर उसका डिफॉर्मेशन तब तक बहुत ज्यादा हो गया होगा,
वो फिर पूर्व स्थिति में नहीं वापस जा पाएगा। उसके बाद है डी से लेके ई तक, अब डी से लेके ई तक आप देखिए यहाँ पे फिर से इस कार्ड की तरह स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, और इसको वार्निंग साइन समझना चाहिए, क्योंकि क्योंकि ये फेज यील्डिंग का फेज पार कर गया तो चीज टूटने का करीब करीब हालत में है। अगर आप ब्रिज बना रहे हो या पुल बना ब्रिज बना रहे हो या कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो उसका जो भी हो जाए ये पोजीशन में वो कभी नहीं आना चाहिए। उसका वो उसका जो उसमें जो स्ट्रेस आएगा वो जीरो से ए तक ही उसका लिमिट होना चाहिए, और डिजास्टर हो गया या कुछ भी हो गया फिर भी वो ठीक है डी से पहले ही रहना चाहिए। इस स्टेज में चीज कभी नहीं आना चाहिए। जिस चीज का एक इतना स्ट्रेस पड़ने का संभावना है, मतलब कोई तो वो चीज उसका मेटेरियल चेंज करना चाहिए। तो डी से ई फिर से ऐसे जा रहा है तो इसको बोलता है नेकिंग। इसके बोलते हैं नेकिंग, मानो ये हो गया अभी अभी, मतलब टूटने का पहले का टाइम है, स्टेज छोड़ा है पर ये टूटने का ये है प्रॉब्लम का नेक टू नेक पे है ठीक है। और ई है ब्रेकिंग पॉइंट, ई है एक्चुअली सॉरी ई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, ई में है हाईएस्ट जो मटेरियल का स्ट्रेच हो सकता है, तो ये है वो ई तक ही हो सकता है, ई तक ही हो, ई पे आप छोड़ दोगे तो भी मटेरियल पूर्व के जगह में पूर्व का ज्यादा डिस्टॉर्शन होने के बावजूद भी पूर्व के जगह में वापस आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट। क्योंकि मैक्सिमम चीज का जो स्ट्रेचिंग संभव है वो ई पे ही होगा। फिर आता है इसको देते हैं एफ, फिर आता है ई टू एफ पोजीशन, फिर आता है ई टू एफ पोजीशन। ये ई टू एफ पोजीशन में क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ नहीं रहा पर स्ट्रेन बढ़ रहा है, और यहाँ पे जाके वो मटेरियल टूट जाएगा, वो यहाँ पे जाके कभी भी वापस नहीं आएगा। इस जगह में वस्तु पहुंच गया मतलब वो कभी भी वापस नहीं आएगा, कभी भी उसका अगर आप स्ट्रेस हटा भी दोगे तो भी वो मटेरियल नहीं टिकेगा, वो लगभग उसका मतलब थोड़ा भंगुर टाइप का हो जाएगा, और एफ पॉइंट में आ गया तो वो टूट ही जाएगा, वो तभी टूट जाएगा। तो एफ को बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। एफ है ब्रेकिंग पॉइंट, और ये भी नेकिंग के अंदर ही पड़ता है। नेकिंग मतलब यहां से यहां तक पूरा नेकिंग होगा, यहां से यहां तक पूरा नेकिंग होगा। डी टू एफ लिख देते हैं इसमें डी टू एफ। और ये सब ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, कोई वार्निंग नहीं, टूट गया यहाँ पे, जस्ट ये ब्रेकिंग पॉइंट में आ गया, हुक्स लॉ फॉलो करते करते ही ब्रेकिंग पॉइंट में आ गया। तो अगर आप कोई बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हो तो कभी भी ब्रिटल मटेरियल यूज ना करो, क्योंकि वो आपको कोई साइन नहीं देगा, सीधा टूट जाएगा, टूटने से पहले भी आपको कोई वार्निंग नहीं देगा, जो कि डेंजरस साबित हो सकता है बड़ा आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर के लिए।
तो ये हुआ स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व। फिर आते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका क्या नंबरिंग था? 4, 5। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देख लेते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? तीन नंबर पे देखिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज अ क्वांटिटी that measures an object or substance resistance to be deformed, specially when a stress is applied to it. So, एक वस्तु को स्ट्रेस देने के बाद भी वो कितना कम चेंज होके रह सकता है, उसका उस प्रॉपर्टी को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब इसको कैसे मेजर किया जाए? इसको हम बोल सकते हैं मानो डिफॉर्मेशन है डेल्टा एक्स और पहले उसका डायमेंशन था एक्स, तो ये जो चीज ये जितना छोटा होगा उसका उसका इलास्टिसिटी उतना, मतलब क्या बोलते हैं, उतना कम है। स्ट्रेस दिया फिर उसको छोड़ दिया वो वापस आ गया, जो जितना कम डिफॉर्म हुआ जो कम डिफॉर्म होगा और डिफॉर्म होगा उसका डेल्टा एक्स छोटा होगा और उसका पूरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी छोटा होगा। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का बहुत सारे मेजर्स है, जैसे यंग मॉडुलस, इसको हम डिफाइन करते हैं ऐसे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। हम लोग हुक्स लॉ में देखे थे स्ट्रेस होता है प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट। अब ये जो अगर प्रोपोर्शनल साइन को हटा के हम इक्वल टू लिखे तो एक हम लोगों को एक कांस्टेंट चाहिए, ये कांस्टेंट ही हम लोग बोल सकते हैं यंग्स मॉडुलस। अब देखिए डिफरेंट चीजें का डिफरेंट मटेरियल का यंग मॉडुलस डिफरेंट होगा, एक रबर का और एक आयरन का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कभी इक्वल नहीं होगा, कभी उसका डिफॉर्मेशन सेम नहीं होगा अगर दोनों में सेम स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो। सिर्फ वही नहीं और भी बात है, जैसे एक रबर को अगर आप ठंडा करो तो वो सख्त हो जाएगा, फिर आप उसको अगर स्ट्रेस भी दोगे तो भी वो उतना डिफॉर्म नहीं होगा जैसा कि नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है। तो क्या होगा, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जैसे मानो आप इंटरनेट में सर्च किए कि यंग मॉडुलस आयरन का कितना है, स्टील का कितना है, कॉपर का कितना है, तो देखना उसमें एक फिक्स्ड क्या बोलते हैं, एक फिक्स्ड नंबर देगा, पर एक्चुअली क्या है वो सब चीज मेजर क्या है नॉर्मल टेम्परेचर पे। जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल टेम्परेचर पूरे वर्ल्ड में है 25 डिग्री सेंटीग्रेड,
तो वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का ही यंग्स मॉडुलस है। आप दूसरे टेम्परेचर को पे अगर उसको यूज करो तो वो नहीं काम करेगा। जैसे जैसे कोई ठंड का जगह, कोई ठंड का जगह जैसे नॉर्वे में आप अगर एक ब्रिज बना रहे हो तो उसका पिलर का जो वो लोग जो यंग मॉडुलस चूज करेंगे, वो लोग जो मटेरियल चूज करेंगे, और एक कोई इक्वेटर के आसपास रहता है जैसे अफ्रीका में, अफ्रीका का दक्षिण भाग में, तो वहां में जो ब्रिज बनाया जाएगा, दोनों जगह का ब्रिज का मटेरियल अलग होना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह का यंग एवरेज यंग मॉडुलस जो होगा उस मटेरियल का अलग होगा। अब देखिए ये जो यंग्स मॉडुलस है, अब स्पेस का तो यूनिट क्या है हम लोग पढ़े थे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसको क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं, और स्ट्रेन का क्या है यूनिट, स्ट्रेन दोनों चीज का प्रोपोर्शन है, एक ही टाइप के चीज का प्रोपोर्शन है, तो इसका कोई यूनिट नहीं है। तो यंग्स मॉडुलस का क्या यूनिट हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यंग मॉडुलस का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। अब स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं, यह है फोर्स, यह है एरिया, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एल बाई एल। अब यही एक बात है, यंग मॉड्यूलस सारे डायमेंशन को कंसीडर नहीं करता है, वो सिर्फ लेंथ को कंसीडर करता है, कितना वॉल्यूम डिफॉर्मेशन हुआ यंग मॉड्यूलस कंसीडर नहीं करता है। तो वॉल्यूम डिफॉर्मेशन कितना होता है वो हमको पता कैसे चलेगा, वो हमको पता चलेगा बल्क मॉड्यूलस से। बल्क मॉड्यूलस से, और बल्क मॉड्यूलस सेम है, वो भी स्ट्रेस बाई स्ट्रेन है, बट अगर आप उसको इलाबोरेट करो तो ये होगा वॉल्यूम का चेंज, और इसका क्या यूनिट होगा, वही जो स्ट्रेस का यूनिट होता है पास्कल, बिकॉज इसका तो कोई यूनिट नहीं है। तो ये होगा हुआ यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। अब इसका सम देखते हैं क्या होता है, सम देख लेते हैं कैसे होता है। फोटो एक नंबर सम में क्या लिखा है देखिए, लिखा है डिटरमाइन यंग्स मॉडुलस व्हेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको स्क्वायर पढ़िए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस इज अप्लाइड to produce a strain of 0.5। तो स्ट्रेस कितना है यहाँ पे, स्ट्रेस है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेन है, स्ट्रेन है 0.5। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका स्ट्रेस भी दिया है, स्ट्रेन भी दिया है, सिर्फ यंग मॉड्यूलस निकालना है कैसे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस है 2, स्ट्रेन है 2.5, तो ये 2, ये तो हाफ है तो 4 ही होगा, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। अब इसका स्ट्रेन इतना ना दे के ये लोग ऐसा भी लिख सकते थे कि
पहला इनिशियली एक ऑब्जेक्ट का लेंथ था 10 सेंटीमीटर और फिर फाइनली उस ऑब्जेक्ट का लेंथ हो गया स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद 12 सेंटीमीटर तो फिर हम लोगों को स्ट्रेन निकालना पड़ता। इनिशियल फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ और फिर डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ एक्सक्यूज मी तो स्ट्रेन हो गया 2/10 मतलब 1/5 या 0.2। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते थे यंग्स मॉडुलस के। अब देखते हैं और क्या क्वेश्चन दिया है उस स्लाइड में। What is bulk modulus of a body that experienced a change of pressure of 10 in 5 into 104 newton per meter square and its volume goes from 4 centimeter square to 3.9 centimeter cube। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्रेशर क्या है या स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस है 5 × 104 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। इनिशियल वॉल्यूम है V1 है 4 सेंटीमीटर क्यूब और V2 है वॉल्यूम 2 है 3.9 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोगों को अब बल्क मॉडुलस निकालना है। अब देखिए स्ट्रेन निकाल रहे हैं। स्ट्रेन यहाँ पे होगा डेल्टा वी बाय वी। डेल्टा वी होगा इनिशियल फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम 3.9 माइनस 4 और इनिशियल वॉल्यूम क्या था 4। अब इसका ये होगा यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब बाय सेंटीमीटर क्यूब कुछ होता नहीं है तो इसका यूनिट नहीं होगा। ये होगा 0.1 माइनस 0.1 बाई 4 कितना होगा शायद 0.025 होगा। हाँ माइनस 0.025 तो ये आ गया स्ट्रेन। अब हम लोगों को स्ट्रेस पता है इतना है तो हम लोगों का अब निकालना है क्या बल्क मॉडुलस। अब ये कितना हो गया 5 × 5 × 104 और ये 520 डिवाइडेड बाय 0.025 इसका ये कितना होगा पास्कल। तो ये आ गया बल्क मॉडुलस। अब सीखते हैं एक नया चीज पॉइजन्स रेशियो। देखते हैं पॉइजन्स का पॉइजन्स इफेक्ट क्या है और पॉइजन्स रेशियो क्या है। स्लाइड शेयर कर देते हैं। कहाँ है
हाँ, 6 नंबर पे देखिए लिखा है पॉइजन्स इफेक्ट शोज व्हेन अ मटेरियल इज स्ट्रेस्ड इन वन डायरेक्शन इट टेंड्स टू कंप्रेस इन दैट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट फोर्स ऑफ एप्लीकेशन एंड वाइस वर्सा। बहुत सारा ग्रामर मिस्टेक है यहाँ पे। तो पॉइजन इफेक्ट तब शो करता है तो, मतलब मान है कि उसका लैटरल कितना स्ट्रेस हुआ और लॉन्गिट्यूडल कितना स्ट्रेस हुआ। जैसे देखिए ये एक वस्तु है तो इसको अगर आप प्रेशर दो ऊपर से तो ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ लेंथ बढ़ेगा या ब्रेथ बढ़ेगा, दोनों ही बढ़े, दोनों ही एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। जैसे इसका लेंथ लेंथ पहले एल था, एल से हो गया एल प्लस डेल्टा एल, इसका लेंथ बढ़ा, पर ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ घटा। पहले मानो इसका लेंथ था बी, बी से हो गया बी माइनस डेल्टा बी। सो हमेशा लेंथ या ब्रेथ दोनों में से एक नहीं बढ़ता, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तो कितना लेंथ बढ़ने से कितना ब्रेथ बढ़ता है इसका जो माप है इसको ही, हाँ इसका जो माप है इसको ही हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो। और ये जो चीजें चपटा हो जाती है, ये जो मतलब लेंथ बढ़ने से ब्रेथ घटता है और वाइस वर्सा, इस इफेक्ट को बोलते हैं पॉइजन इफेक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या है देख लेते हैं, फिर से वो डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं, एक मिनट, फिर से वो स्लाइड शेयर कर देते हैं। देखिए 7 नंबर पे लिखा है पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स कंस्ट्रक्शन स्ट्रेन, इसका मतलब होता है लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेचिंग फोर्स। चलिए तो पॉइजन्स रेशियो क्या हुआ देखते हैं। लास्ट नंबर इनका 7, 8। बबलेस है, थोड़ा स्पेलिंग ख्याल कर लीजिएगा। पॉइजन रेशियो तो इसको डिनोट करते हैं न्यू से। तो ये क्या होता है, चेंज ऑफ ब्रेथ, जैसे दिखा रहे थे चेंज ऑफ ब्रेथ, स्ट्रेन ब्रेथ के वजह से स्ट्रेन, और फिर लेंथ के वजह से स्ट्रेन, दोनों के वजह से जो स्ट्रेन। अब देखिए अगर लेंथ पॉजिटिव होता है तो ब्रेथ नेगेटिव होता है, अगर ब्रेथ पॉजिटिव हो गया तो लेंथ नेगेटिव होगा। आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है, जो लोग हैंड राइज कर रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट होके बोलिए। प्लीज अनम्यूट होके बोलिए अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो, जो लोग हैंड राइज कर रहे हैं वो लोग बोलिए। जो हम अनम्यूट किए थे सबको तो कोई नहीं बोला तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पॉइजन रेशियो हो गया ब्रेथ चेंज होने के वजह से स्ट्रेन और लेंथ चेंज होने के वजह से स्ट्रेन, इन दोनों का रेशियो।
अब देखिए अगर लेंथ में पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो ब्रेथ में नेगेटिव चेंज हो रहा है, और अगर ब्रेथ में कभी पॉजिटिव चेंज हुआ तो लेंथ में लेंथ कम हो जाएगा, लेंथ में नेगेटिव चेंज होगा। तो इन दोनों में से एक तो नेगेटिव होगा ही ना, इसलिए ये नेगेटिव साइन इसके सामने हमेशा लगता रहता है। और जब हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि एक वैल्यू तो नेगेटिव होता ही है, तो ये टोटल पॉजिटिव होता है। तो इधर इसको बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग लैटरल स्ट्रेन, और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। हाँ, तो ये हो गया पॉइजन्स रेशियो। अब इसका एक सम कर लेते हैं, देखिए तीन नंबर सम में लिखा है अ बार सब्जेक्ट टू अ टेंसाइल लोड 55 किलो न्यूटन बार, डायमीटर है 31 मिलीमीटर, डायमीटर है 31 मिलीमीटर, टेंसाइल लोड है मतलब फोर्स है 55 किलो न्यूटन, गॉज लेंथ है 300 मिलीमीटर, एक्सटेंशन हुआ है मतलब डेल्टा एल है 0.115 मिलीमीटर, चेंज इन डाया हुआ है मतलब ये जो डाया था उसमें चेंज हुआ है कितना 0.00367 मिलीमीटर। अब हम लोगों को निकालना है पॉइजन रेशियो। और यंग्स मॉड्यूलस अब जो जो चीज गिवन है वो चीज हम इधर लिख लिए, पॉइजन रेशियो निकालना है और यंग्स मॉड्यूलस निकालना है। आप देखिए पॉइजन रेशियो निकालेंगे हम लोगों को क्या चाहिए, लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। अब लैटरल स्ट्रेन क्या है, डेल्टा बी बाय बी है, और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल बाय एल है, ये सब कुछ यूनिटलेस है। अब डेल्टा बी कितना हुआ, डेल्टा बी लिखा हुआ है 0.00367 मिलीमीटर, और बी है 31 मिलीमीटर। अच्छे से देख लेना है कि सबका यूनिट सेम होना चाहिए ताकि एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाए। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ कैलकुलेट कीजिए। सेवन डिवाइडेड बाय 31 1.18 इंटू 10^-4 और इधर 0.115
डिवाइडेड बाय 3.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अब ये दोनों तो कट जा रहा है, वन पॉइंट वन एट डिवाइडेड बाय 3.8, सो 0.31 इसके आसपास आता है पॉइजन रेशियो। अब हम लोगों को निकालना है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस के लिए देखिए दे दिया है फोर्स कितना है, फोर्स है 55 किलो न्यूटन, मतलब किलो का मतलब हजार होता है, तो इससे हजार से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना न्यूटन फोर्स है। आप निकालेंगे एरिया, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है, लेंथ कितना था, लेंथ था 300 मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब क्या होता है, मिलीमीटर मतलब मिलीमीटर को मीटर लाना है, क्योंकि आप सबको एसआई यूनिट में लाना है, मिलीमीटर रखने से नहीं चलेगा, तो हजार से भाग किए तो ये होगा हुआ इतना मीटर। और ब्रेथ कितना था पहले 31 मिलीमीटर, अब इसको भी मीटर में लाना है, हजार से भाग कर दिए, आप देखते हैं कितना आएगा, बहुत ही कम आने वाला है, 0.09 के आसपास आने वाला है, फिर भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। नाइन पॉइंट थ्री आ रहा है इंटू 10 to the power -3, क्या होगा ये मीटर स्क्वायर। अब स्ट्रेस कितना होगा, हमारे पास फोर्स है, हमारे पास एरिया है, अब स्ट्रेस कितना होगा, स्ट्रेस होगा एफ बाई ए, फोर्स कितना है 55000 न्यूटन, और एरिया कितना है 9.3 इंटू 10 to the power -3 मीटर स्क्वायर, तो इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल हुआ। आप स्ट्रेन हम लोगों को निकाल रहे हैं यंग्स मॉडुलस, तो ओनली लेंथ मैटर करेगा, यंग्स मॉडुलस मतलब एक ओनली यंग्स मॉडुलस निकालने बोला है, तो क्या होगा ये स्ट्रेस होगा और बाई डेल्टा एल बाई एल, तो लेंथ में कितना चेंज हुआ, लेंथ में चेंज हुआ 0.115 और लेंथ था 300 मिलीमीटर, इनिशियल लेंथ था 300 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर जितना भी हो, ये दोनों ही मिलीमीटर है, पर मिलीमीटर कट जाएगा तो इसका इसका डायमेंशन, इसका यूनिट लेके चिंता की कोई कारण नहीं है, हम स्ट्रेस को डायरेक्ट इधर बैठा देंगे। यस, किसी को कुछ बोलना है प्लीज बोलिए, शाम को रिपीट करना है तो भी बोलिए प्लीज। Divided by 0.0
115, हाँ तो आंसर आ गया 15427. पॉइंट का बाकी एवर्ट करते हैं, इतना क्या, इतना पास्कल. तो ये मिल गया हम लोगों का यंग्स मॉडुलस, और ये मिल गया हम लोगों का पॉइजन्स रेशियो. अब इसमें अगर ठीक से डायमेंशन दिया जाता, यहाँ पे एक नेगेटिव होना चाहिए था जिसमें ये नेगेटिव नहीं लिखा है. तो अगर नेगेटिव क्वेश्चन में मेंशन कर दिया होता तो एक्चुअली ये प्लस होता, जो कि प्रैक्टिकल में होता है. तो आज के लिए इतना ही सर. हाँ मेरा क्लास हो गया, नया कुछ नहीं कराएंगे. आप लोग बस अपना आप लोग बस मेरा नंबर लिख लीजिए, आपको कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कोई शाम आप लोग को नहीं आ रहा हो तो मुझको मैसेज कीजिएगा या कॉल कीजिएगा. सर आप क्लास डिसबैंड कर सकते हो, मेरा हो गया. ठीक है, ओके, थैंक यू. थैंक यू.